हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11th ऑफ इंग्लिश रीडर मदर टेरेसा। दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 7th। दिस चैप्टर इज़ अबाउट मदर टेरेसा। दिस इज़ अ बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा दैट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। वी ऑल नो दैट मदर टेरेसा वाज अ फेमस सोशल वर्कर एंड शी वॉज अ नन एंड शी सेक्रीफाइज हर लाइफ for the poor people of India. She was not belong to the India, but yet they sacrificed their life for poor people of India, especially Kolkata, people of Kolkata. So let's read this chapter in detail about Mother Teresa. आई वेट इन मदर टेरेसा ऑफिस। ये खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं मदर टेरेसा की वेट कर रहा था उनके ऑफिस में। कुछ टाइम बाद वो आई और उन्होंने लेट आने के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने चेयर को पकड़ा और वो टेबल को पकड़ कर चेयर पर बैठ गई और उन्होंने मुझे पूछा। शी इज़ 5। अब इनकी बता रहा है अपीयरेंस के बारे में, बता रहा है कि वो कैसे दिखती थी। वो 5 feet टॉल थी और उनकी जो बॉडी थी वो क्या थी, लंबी और पतली थी। उनकी जो आईज थी वो गहरी थी, धसी हुई थी और उनकी आईज का कलर ग्रेश ब्राउन था। उनकी चीक बोन्स जो थी वो ऊपर की ओर उठी हुई थी और उनके जो होंठ थे वो बहुत पतले थे। जो रिंकल्स थे वो क्या दिखाते थे कि उनके फेस पर जो रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, वो दिखाती थी कि कितनी हार्ड लाइफ वो स्पेंड करती हैं। उनका जो फेस था वो फिर भी क्या था, संतोष से भरा हुआ था और आरामदायक था। जो उनके फेस को देखता था उन्हें भी संतुष्टि मिलती थी। वो किस तरह की अपीयरेंस थी उनकी, किस तरह वो ड्रेसअप करती थी, अब नरेटर ने यहाँ वो बताया हुआ है। मदर टेरेसा जो थी वो सीधी सादी वाइट कलर की, जिस पर ब्लू बॉर्डर होते थे, वो साड़ी पहनती थी और इसकी कॉस्ट 50 rupees से भी कम थी। वो साड़ी ये किस तरह पहनती थी, वो बिल्कुल अपने फोरहेड, माथे और सर से लेकर बिल्कुल पांव तक उन्होंने अपने आप को साड़ी के साथ कवर किया हुआ था और जगह जगह से ये साड़ी क्या थी, पिनअप की हुई थी। अ स्मॉल आयरन क्रॉस डैगल ऑन हर लेफ्ट शोल्डर, और एक स्मॉल आयरन क्रॉस मतलब जो सिंबल होता है क्रिश्चियंस का, वो उन्होंने अपने लेफ्ट शोल्डर पर टंगा हुआ था उनके। जब खुशवंत सिंह जी ने पूछा कि मदर मुझे अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए और आप एक साध्वी क्यों बनी, नन होता है साध्वी, देन मदर टेरेसा क्या कहती हैं, वो एक इंडियन लिट में बोलती हैं, एक भारतीयों की जिंदा दिली आवाज़ में बोलती हैं और उनका जो आंसर है वो बड़ा ही ब्रीफ था और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ था। वो बहुत संक्षिप्त रूप में उन्होंने अपना उत्तर दिया और उन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ उतना बोला जितना बोलना चाहिए था। जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना हुआ था, मदर टेरेसा बिल्कुल ही वैसी थी। She was born on 27 August 1910 in Skopje, Yugoslavia. जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो मदर टेरेसा है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती थी। उनका बर्थ 27 अगस्त 1910 को हुआ था यूगोस्वालिया में और उनकी जो फैमिली थी वो एक हैप्पी फैमिली थी। उनकी जो मम्मा थी वो एक किसान थी और पापा एक स्टोर कीपर थे। और जो मदर टेरेसा है उनका इंटरेस्ट मिशनरी थी, वो प्रचारक थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने सुना कि जेस्यूट्स कैरेस्योंग नियर दार्जिलिंग में उन्होंने सुना कि प्रचारक का काम जो भी कर रहे थे कि वो बहुत पुअर पीपल की सेवा करते हैं, लोग वहाँ पर जो काम करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने भी एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया जब वो 12 ईयर की थी। जब खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या जो 12 साल की उम्र है वो कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है अपने करियर के बारे में डिसाइड करने के लिए, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि वी आर नेवर टू यंग टू लव, कि हम कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि हम प्यार कर सके। इट मीन्स कि उनके कहने का ये मतलब था कि हम कभी भी
कभी भी अगर हम रियल वे में देखें तो हम अपने डिसीज़न लेने के लिए भगवान से बड़े कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ पर ट्रू लव की बात भगवान के साथ हो रही है। बाय द टाइम शी वॉज 18 एनी डाउट द माइट हैव बीन हैड रिसोल्ड शी बिकेम अ नन। और जब वो 18 साल की थी तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के उन्होंने क्या किया, 18 साल की उम्र में सारे उन्होंने अपने मन के संदेह मिटाकर वो क्या बन गई, एक नन बन गई, साध्वी बन गई। उन्होंने ज्वाइन किया लोटे नंस इन डल्बिन में, उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश की ट्रेनिंग ली। इंग्लिश की ट्रेनिंग लेने के बाद वो कलकत्ता में आई 1929 में एज अ ज्योग्राफी टीचर। सेंट मैरी हाई स्कूल था कोलकाता का, वहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफी टीचर के रूप में काम किया 1929 को। शी वाज फॉर मैनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वो स्कूल की, सेंट मैरी स्कूल की, हाई स्कूल की काफ़ी टाइम तक प्रिंसिपल भी रही। शी फाउंड द कोलेस्टर्ड कम्फर्ट ऑफ द कन्वर्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हर कॉलिंग। उनको क्या था, जो भी उनकी आत्मा की आवाज़ थी, जो भी वो काम करती थी, उनके उन्हें उसके अलावा जो उनकी आत्मा की आवाज़ थी उसमें क्या था, कंफर्ट मिलता था। एक दिन 10 सितंबर 1946 को वो दार्जिलिंग जा रही थी और तब उन्हें आवाज़ आई, अपने अंतर्मन से आवाज़ आई, भगवान की आवाज़ आई जो उन्होंने सुनी। और उन्होंने अपना जो भी करियर था उसको डिसाइड किया कि वो अब क्या बनेगी, एक नन बनेगी, वो क्या करेंगी, बस्तियों में, गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर क्या करेंगी, लोगों की सेवा करेंगी। वो जो आवाज़ थी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, भगवान की आवाज़ थी, तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो अब क्या करेंगी, लोगों की सेवा करेंगी। हिम टू स्लम्स टू सर्व हिम अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो पुअर लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच गरीब बनकर ही उनकी सेवा की जा सकती है। कलकत्ता में 100 की संख्या में ऐसे लोग थे जो बहुत गरीब थे, तो उनका जो बस उनका यही डिसीज़न था कि अब वो काम करेंगी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में। जो पुअर पीपल थे उन्होंने, द पुअर पोप गेव हर ब्लेसिंग हिज ब्लेसिंग, और जो पोप थे उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी, चर्च के जो पोप होते हैं उन्होंने उसे अपने ब्लेसिंग्स दी और उन्हें काम करने के लिए, जो भी वो काम करना चाहती थी लोगों की सेवा, तो उसके लिए परमिट किया। उन्होंने 3 मंथ से ज़्यादा, मंथ्स ऑफ द समर, गर्मियों के 3 महीने लगभग, नियर अबाउट ऑलमोस्ट, विद अमेरिकन मेडिकल मिशनरी, उन्होंने अमेरिकन मेडिकल मिशनरी में नर्सिंग का कोर्स किया। लगातार उन्होंने हार्ड वर्किंग की और 3 महीने में उन्होंने अपना नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उन्होंने 1948 में एक स्लम स्कूल खोला जो कि एक प्राइवेट घर में था। और कुछ टाइम बाद एक उनकी जो पुरानी स्टूडेंट थी सुभाषिनी दास, उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। और इस तरह एक उन्होंने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम का इंस्टीट्यूट खोला। अब उनमें जो भी मेंबर्स काम करते थे मिशनरी, वो धर्म प्रचारक के रूप में काम करते थे। और इसके अलावा उनका मेन काम क्या था, उनका मेन वर्क था कि वो गरीब लोगों की हेल्प करते थे। अब जो गरीब लोगों की हेल्प के लिए उन्होंने कसम खाई मदर टेरेसा ने, क्या थी वो, कि सबसे पहले तो वो क्या करेंगी, पुअर लोगों की, गरीबों की मदद करेंगी, उनके लिए अपना लाइफ जिएंगी। ये जो इनकी उन्होंने कसम ली थी, वो कसम उन्होंने पूरे तरीके से निभाई। और क्योंकि उनका कहना था कि हम केवल तभी गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं जब हम खुद गरीब बनकर उनके बीच में रहें। एक स्पेशल वो मतलब कसम उन्होंने जो पूरे दिल से ली वो थी लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करना। दिस वो मीन्स दैट वन कांट वर्क फॉर रिच, इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति अमीरों के लिए काम नहीं करेगा और ना ही कोई उनके बदले में उससे पैसे लेगा। उनका अवर हायर्स टू बी फ्री सर्विसेज एंड टू द पुअर, वो कहती हैं कि जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन्होंने सभी ने कसम खाई
कि हम ना तो अमीरों के लिए काम करेंगे और जो काम हम गरीबों के लिए करेंगे वो बिल्कुल फ्री में होगा और उसके बदले में हम कुछ भी नहीं लेंगे। मदर टेरेसा वेंटेड यू डेवलप द स्पेशल इंटरेस्ट इन इन डेइंग आई आस्क्ड हर। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं, मैंने पूछा कि आपको मर रहे लोगों के बीच इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, कब रुचि पैदा हुई कि मैं इन गरीब लोगों की हेल्प करूंगी। वो कहते हैं कि ये मेरे अंतर मन की आवाज़ थी। कोई भी जो लोग हैं, ना तो कोई मरना चाहता है, ना कोई बीमार होना चाहता है, हर लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, बट दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अपने आप को देखभाल नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्टेड दूज हुम नो वन वॉन्टेड, नो वन लव्ड एंड नो वन केयर। वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों से प्यार है, मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जिन्हें कोई भी नहीं चाहता, कोई भी प्यार नहीं करता और कोई भी उनकी केयर नहीं करता। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ डिड इट स्टार्ट, ऐसा कैसे हुआ, आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ की, तुम आपने मर रहे लोगों की सेवा करने की जो ठानी, वो कब पर्टिकुलर कब आपके में ये इंटरेस्ट पैदा हुआ। वो कहते कि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट जब मैंने लोटियों को 1948 में छोड़ा तो मैंने देखा कि एक जो वुमेन है वो हॉस्पिटल के आगे लेटी हुई है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में थी, जो कि रैट्स और मगूर्स के द्वारा काटी गई थी। आई लुकड आफ्टर हर टिल शी डाइड, देन द पुलिस कमिश्नर गेव मी दिस प्लेस नेक्स्ट टू काली टेम्पल। वो कहते कि मैं उन्हें देखती रही जब तक वो बड़ी तड़प तड़प कर मर गई। तो फिर खुशवंत सिंह जी पूछते हैं कि आपने इंडिया को ही क्यों चुना और स्पेशली कलकत्ता को ही क्यों चुना पुअर लोगों की सेवा के लिए। तो उनके मुंह पर एक जेंटल सी स्माइल आ गई, एक भली सी स्माइल करते उन्होंने कहा, आई वॉज सेंट हेयर, मैं यहाँ पर भेजी गई हूँ भगवान द्वारा, मैं उन लोगों, मैं कलकत्ता के लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, उनमें प्यार की वो गर्माहट है जो मैंने आज तक कभी भी कहीं भी नहीं देखी। उन्होंने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बताया, अनुभव बताया कि क्यों मैं कलकत्ता के लोगों से इतना प्यार करती हूँ। वो कहते जब एक बार फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी कलकत्ता में, तो जो विक्टिम थे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, तो उनको सेफ जगह पर मैं पहुंचा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर एक लेडी जो हमें जानती भी नहीं थी, उन्होंने हमें अपनी कार में जगह दी बैठने की और गर्म खाना दिया। तो वो कहती हैं कि मुझे इस पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला, ऐसे लोग कहीं भी देखने को नहीं मिले जो मैंने कलकत्ता में देखे। तो इसलिए इट इज़ ऑब्वियस दैट मदर टेरेसा वुड हैव गोन टू एनी कंट्री विद द सेम अनकोश्चनिंग ओबीडेंस। तो इसका मतलब ये है, ये एक्सपीरियंस यही बताता है कि मदर टेरेसा और भी कंट्रीज़ में गई हैं, लेकिन उन्हें इस तरह का एंथ्यूज़म, इस तरह की जो लोगों की सेवा करने की भावना दूसरे लोगों में कहीं भी नहीं दिखी जो उन्हें इंडियन में दिखी। तो सिंस शी वॉज सेंट टू इंडिया, शी एब्ड्यूजली इंडजाइड हर सेल्फ। जब उन्हें इंडिया भेजा गया तो वो क्या थी, पूरे उन्होंने मन के साथ अपने आप को भारतीय माना। हर्स वॉज द फर्स्ट कैथलिक, वो सिर्फ पहली कैथलिक थी, क्रिश्चियन थी, जिन्होंने इंडियन साड़ी को अडोप्ट किया, इंडियन साड़ी को पहना। उनकी जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल इंडियन था और उनके बैठने का तरीका, वो इंडियन की तरह क्रॉस लेग करके धरती पर बैठती थी और खाना खाती थी इंडियन मैनर में। वो उन्होंने बंगाली सीखी और बहुत अच्छे से उन्होंने बंगाली बोलना शुरू कर दिया था, और जब इंडिया फ्री हुआ तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। मैंने उनसे पूछा कि आई आस्क्ड हर हाउ शी गॉट मनी टू रन हर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैंने पूछा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, जो आपने संगठन बनाया है लोगों की सेवा के लिए। उन्होंने आंसर दिया, इट कम्स मनी इज़ नॉट ग्रेट प्रॉब्लम, कि मनी की हमारे पास कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, गॉड गिव्स थ्रू हिज पीपल, भगवान ने हमें मनी प्रोवाइड की अपने लोगों के द्वारा। वी हैव बीन शॉर्ट ऑफ मनी, वी हैव नेवर बीन शॉर्ट ऑफ मनी, हमारे पास पैसों की कभी भी कमी नहीं आई। थैंक यू स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।